फाइनली मैं आ गया हूँ अपना पार्ट थ्री के शूट करने के लिए मेरे भैया के पास। सो इस पार्ट थ्री में आपको काफ़ी अच्छा अच्छा देखने के लिए मिलेगा एंड आई होप कि जो अब इस बार काम हो वो आप लोगों को जो मैक्सिमम लोगों को जो पसंद भी आए। लास्ट टाइम फिर काम को मुझे पता है कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो शायद आप लोगों को पसंद नहीं आया, मैं आपको एक अच्छे से अच्छी और यूनिक चीज़ जो है डिलीवर कर पाऊँ। तो यहाँ हमारे बम्पर पर जो है काम स्टार्ट हो रहा है, देख लो भैया जो है पहले पूरा बम्पर को जो है खोलेंगे, उसके बाद जो है काफ़ी सारे इसमें काम होने बाकी है। आज की वीडियो में आपको जो है साथ साथ फ्रंट पे तो दिखने को ही मिलेगा, साथ में ओवरऑल पूरी गाड़ी में भी कुछ ना कुछ करवा रहा हूँ। जो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, मेक श्योर पूरी वीडियो देखना और लाइक ज़रूर करना। अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना कि क्या चीज़ और करवाऊँ। सो ओवरऑल अगर बात करूँ मैं अपने लास्ट ब्लॉग की पार्ट टू की बात करूँ तो उसमें सारे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट मेरे को आए हैं। उसमें मैंने अपनी कार के साथ जो है कुछ यूनिक करने की कोशिश करी थी जो मे बी जो आप लोगों को पसंद नहीं आई, बट स्टिल मैं इसमें अभी कुछ और भी करवा रहा हूँ उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए। लेट्स सी कैसा रिजल्ट आता है, कैसा आउटपुट आता है। स्टिल मैं इसमें जो कुछ ना कुछ पंगे लेता रहूँगा। आई होप ये पंगे आपको पसंद आए। अगर स्टिल अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप सजेशन दे दो, डिसलाइक मत क्या करो, मैं बहुत बेहतर की वीडियो बना रहा हूँ प्लीज़। तो डिसलाइक मत करो, कमेंट करके सजेशन दो कैसी लगी क्या लगी। स्टिल कुछ लगता है कि करवा सकते तो मुझे कमेंट करो, नेक्स्ट टाइम मैं वही करवाऊंगा। मेरे कमेंट्स पढ़े, जिन जिन लोगों ने सजेशन दिए थे उन लोगों के सजेशन को देख के मैंने कुछ और करने की प्लानिंग करी, तो वो काम मैं अपनी वीडियो जो करवा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे बम्पर जो है खुलना स्टार्ट हो गया है, काफ़ी कुछ अलग सा काम करवा रहा हूँ इसमें फिर से। मे बी आप लोगों को पसंद आए पसंद ना आए कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा। पहले इट्स टू अर्ली टू जज, इसमें अभी स्टिल मैं जो काम करवाऊंगा उसके बाद इसमें और भी काम होने बाकी हैं वीडियो फ्यूचर में। अभी पार्ट फोर पार्ट फाइव भी बाकी है। सो मेक श्योर कि आप जल्दी जज मत करना, बस हाँ अपने जेन्युइन कमेंट ज़रूर देना कि कैसी लगी। अभी जितनी भी चीज़ें विजिबल आपको हो रही हैं ये विजिबिलिटी पूरी खत्म हो जाएगी अंदर की। और नंबर प्लेट के मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में ही बताया था नंबर प्लेट को लेकर कि नंबर प्लेट को लेकर मैं अभी काम करवाऊंगा, तो स्टिल मैं बाहर नहीं निकल पाया जिसकी वजह से मैं नहीं करवा पाया। अब मैं निकल रहा हूँ तो मेक इस वीडियो के एंड में शायद आपको नंबर प्लेट भी मैं दिखा पाऊँ। भैया इस टाइम पे हमारे जो स्पीटर्स को निकाल रहे हैं, तो हमारी स्पीटर्स जब हमने लगाए थे तो हमने इसमें काफ़ी सारे जो है नट बोल्ट्स हमने इसमें लगाए थे, देख पा रहे हो। मतलब काफ़ी पक्का काम किया था, किया हुआ था और करेंगे भी आगे, सारा पक्का काम होगा इसके अंदर पूरा। क्या बोलते हो भैया जी, पक्का काम होगा ना अभी भी दोबारा? सो ओवरऑल टाइम तो लगेगा इस काम में, बट स्टिल सेटिस्फेक्शन लेवल मैटर करती है कि कितना काम हो पाएगा, कितने टाइम पे हो पाएगा और कैसे हो पाएगा। सो ये आप लोगों को कमेंट करके बताना कि काम कैसा लगा। स्टिल जैसे लास्ट टाइम आपने कमेंट किया था उन लोगों के कमेंट्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिन लोगों ने मुझे राय दी, बताया कि आप ये करवा सकते हो वो करवा सकते हो। कईयों ने ये भी बोला कि आपने एक अच्छा ट्राई करने की कोशिश करी, यूनिक करने की कोशिश करी, क्योंकि ये वाला किसी ने करवाया भी नहीं था। और कईयों ने बोला बहुत भद्दा लग रहा है कैसा लग रहा है, बट वो चीज़ें ये चीज़ एक एक्सपेरिमेंट है भाई जो अपनी कार में करवा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप करवाओ, अदरवाइज तो फिर लगे रहो। सो स्प्लिटर दिखा देता हूँ। सो हमारे यहाँ पे जो है स्प्लिटर हो गया है अभी साइड, हमने स्प्लिटर्स को रख दिए हैं साइड निकाल के। ये अपना पूरा स्प्लिटर है जिसको हमने कि साइड कर दिया है अभी। अभी हम अपने गाड़ी में जो है आगे के प्रोसेस में लग गए हैं जो कि काम आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी देख लो अभी से फ्रंट कट्स लगी हुई है अभी जिसपे भी अभी हम काम करेंगे। भैया और है कतई खतरनाक खिलाड़ी, देख रहे हो तो एकदम तरीके से। सो भैया यहाँ पे अपना काम होना स्टार्ट हो गया है, देख लो अपनी हम छोटी मशीन लगा रहे हैं पतली वाली फ्रंट में लगी हुई है, पीछे से इसको लगा रहे हैं ताकि अंदर का जो विजिबिलिटी आपको दिखती है वो कहीं तक जो है कम हो जाए। लास्ट टाइम भी हमने इसको करवाने वाला था पर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से हमने जो है इस चीज़ को अवॉइड किया। मैंने सोचा कि इसको करवाने के बाद ब्लॉग डालूंगा, मैंने सोचा था कि ये काम करवाने के बाद ब्लॉग डालूंगा, लेकिन इतने सारे मैसेजेस आए मेरे पास इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे मैसेज आए और हर जगह मैसेज आ ही रहे थे मेरे को हर जगह। तो फिर इवन मेरे रिलेटिव्स भी वो मैसेज कर रहे थे भाई पार्ट टू डालो, तो मैंने सोचा कि चलो आधे में ही डाल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है अपने ही बंदे सारे। लेकिन जो आप लोगों ने कमेंट करे ना भाई मज़ा आ गया, मतलब फिर मैंने सबक ले लिया कि पूरा काम करके ही दिखाना है, बीच में काम नहीं दिखाना। ये चीज़ मैंने आप लोगों से सीखी है, चलो इसको एन्जॉय करो। तो भाई यहाँ पे अपने जो है छोटी वाली स्मॉल होल वाली मुश्किल लग रही है जिससे हमारी जो है एयर भी पास होती रहेगी और अंदर की विजिबिलिटी भी जो है ख़त्म हो जाएगी ओवरऑल। ये अपने प्रोजेक्टर वगैरह जो कि स्टिल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये अपनी HID
जो कि स्टिल अभी बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे रही है। अगर HID प्रोजेक्टर की वीडियोस देखने आते तो मेरे चैनल पे आप नीचे से आपको वीडियो मिल जाएगी। और ये गाड़ी की हालत अपनी, अरे काम। तो यहाँ पे हमने जो है मिश ग्रिल को डबल किया है ताकि अंदर की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाए, बट स्टिल अभी भी आप कह रहे होंगे इसके अंदर जो पीछे दिख रहा है, बट इसको जब हम टच करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। भैया एक बार इसको एक बार ऐसी लगा के दिखाना, उस गाड़ी पे ऐसी टच करके दिखा दो। हाँ हो गई खत्म। सो भाई हाँ बस ठीक है भैया, काफ़ी है। सो भाई यहाँ पे इस टाइम पे विजिबिलिटी हो गई है एकदम जीरो अंदर की। इसके अंदर जो हमने लगाई है वो भी एक मिश्रित रहने वाली है, उसमें बस होल्स बहुत पतले पतले, लेकिन हवा जो है स्टिल पास हो जाएगी। और इसके बाद जो हम इसको करेंगे पेंट, और पेंट करने के बाद इसका लुक जो है और लगेगा जहर। तो मेक श्योर अगर आप अपनी गाड़ी में करवाने आएँ तो मेरी तरह एक्सपेरिमेंट मत करना, डबल ग्रिल ज़रूर लगवाना, ना लुक बहुत अच्छी आएगी, अंदर की विजिबिलिटी पूरी ख़त्म हो जाएगी। चलो भैया कंटिन्यू कर लो आप। तो यहाँ हमारे बलविंदर भैया जी रेडी हैं पूरी तरह हमारे मिश्रिल को पेंट करने के लिए। अभी हम इस पर टेपिंग कर रहे हैं जिससे कि एक्स्ट्रा पेंट यहाँ पर ना हो। जब ये छाया में आएगा तब इसका आपको आइडिया लगेगा कि इसमें कितना काम हो। अभी इसे फ्रंट से भी लगना बाकी है। इससे जो है गाड़ी की लुक कहीं तक जो है एनहांस होगी। अभी देखते रहो, ये पूरी कंप्लीट होगी तो ये नेक्स्ट लेवल की लगेगी। अब आपको अब ये काम थोड़ा कंप्लीट की तरफ होता हुआ, तो स्टिल काफ़ी सारे काम होने बाकी है, पर ये फ्रंट का काम मेरा ऑलमोस्ट कम्प्लीट होता हुआ। लास्ट टाइम आप लोगों ने बहुत जैसा बोला था, आई होप आप लोगों को इस बार जो है गाड़ी पसंद आए मेरी, जो इतनी मेहनत करे बलविंदर भैया, पसंद आया आप लोगों को। तो अब आप इसको छाया में देख लो भाइयों, कई हद तक जो है इसकी विजिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है पीछे की। अभी जब इसको हम गाड़ी में टच करेंगे तो सारी विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। पर अभी ये पीछे दिख रहा है हल्का फुल्का, इतना तो दिखेगा, लेकिन जब गाड़ी में टच हो जाएगा तो सारी विजिबिलिटी ख़त्म है अंदर की टोटल। तो ये अपने यहाँ पे जो है भैया प्रोजेक्टर की सेटिंग करते हुए, भैया उसकी भी कर दीजिए प्लीज़। और यहाँ पे अपना काम कंप्लीट होता हुआ। देख लो भाई, चेक कर लो, पहले से काफ़ी हद तक विजिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है इसके अंदर की। पे अपना जो है फ्रंट का जो मिश ग्रिल पे काम हुआ कंप्लीट, देख लो भाइयों इस टाइम पे विजिबिलिटी बहुत तक कम हो चुकी है अंदर की। स्टिल जो हल्की फुल्की है वो नंबर प्लेट वगैरह लगी हुई, तो वो अट्रैक्ट कर लेगी नंबर प्लेट उसको, बट स्टिल ओवरऑल मुझे तो अब गाड़ी पहले से बहुत बेटर लगी है। बाकी अब आपके ऊपर है कि कमेंट करके बताएंगे गाड़ी कैसी लगी, मिश ग्रिल कैसी लगी बेसिकली, क्योंकि अभी गाड़ी में और काम होना बाकी है, वो आपको जज करना कैसा लगा। चलो अब हम आगे के काम को प्रोसीड करते हैं। अभी हमको अपनी बॉडी किट पे भी काफ़ी सारा काम करना, और स्टिल इसमें साइड पे भी कुछ करवा रहा हूँ, वीडियो में बने रही है, आगे आपको सब दिख जाएगा। अब हम अपनी जो फ्रंट कट जो फ्रंट की कटिंग रहने वाली है तो इसको हम करवा रहे हैं बॉडी कलर का, जो कि पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया था लास्ट एपिसोड में, आपने देखा था पार्ट टू में पूरा ब्लैक ब्लैक था, जिसकी वजह से आप लोगों में से कई लोगों को कन्फ्यूजन भी हुई, कईयों को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ क्या है, समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से अब हम जो है इसको बॉडी कलर का कर रहे हैं। बाकी स्वेटर हमारे ब्लैक ही रहेंगे, और स्वेटर पर हम कुछ लिखवा भी लेंगे जिससे कि उसकी विजिबिलिटी और अच्छी हो जाए। मेरी कोशिश पूरी यही है इस वाले वीडियो को जो है फाइनल करूँ, इसी मतलब इस काम को यही फाइनल करूँ। अगर स्टिल वीडियो मैंने देखा, जहाँ तक मैंने वीडियो देखी है और जहाँ तक मुझे फीडबैक मिला है, मैंने ये देखा है कि आप लोगों को जो है इस तरीके का काम देखने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज़ को
प्रॉपरली शूट करूँ, पूरा पूरा शूट करूँ, जिससे कि आप लोगों को देखने में एटलीस्ट मज़ा तो है। तो मैं इस चीज़ को जो है जितना लेंथी हो सकता है उतना लेंथी शूट करने की कोशिश करूँगा, जितना मतलब मज़ा आएगा दिखाने में। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे हमारे बलविंदर भैया जी काम कर रहे हैं। भैया क्या काम कर रहे हैं उसका अभी, मतलब उसको आप जो आप इसको ये है क्या रेगमार के ना, ये रेगमार से भैया इसको क्लीन कर रहे हैं। पहले से इसके ऊपर का शाइनिंग पार्ट था उसको हटा रहे हो? ओके, क्योंकि भैया हम इसको कर रहे हैं अपनी बॉडी कलर का, तो बॉडी कलर में ये कहीं तक जो है अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि ऊपर की हमारी मस्किल पूरी ब्लैक हो गई है। नीचे अगर फ्रंट कट अगर हमारी बॉडी कलर की रहेगी तो कहीं तक जो है लुक एनहांस होगी, और फिर स्प्लिटर तो ब्लैक है ही हमारे साथ साथ। आपको साइड में भी काफ़ी सारे काम देखने के लिए मिलने वाले हैं वीडियो में, तो मेक श्योर आखिरी तक वीडियो देखना। और मैक्सिमम आपको जो है काम पूरा डीपली दिखाने की कोशिश करूँगा, डीप नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। अरे नहीं, अपने यहाँ पे जो है साइड के लिए स्प्लिटर्स जो है निकल गए हैं, देख लो लटक गए पीछे से, भैया ने निकाल दिए, क्योंकि अब साइड में भी अपन लोग साइड कट्स लगवा रहे हैं गाड़ी के अंदर। सो गाड़ी जो है कहीं तक थोड़ी लुक अच्छी लगेगी, उसके बाद अपनी गाड़ी में और भी सारे काम होने हैं। तो मेक श्योर आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिलने वाली है गाड़ी के साथ। और स्प्लिटर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, मेरे को कई सारे इनबॉक्स आते हैं स्टिल कि भाई हमारी गाड़ी, हमारी ऑल्टो है, हमारी ये है, हमारी वो है, इसमें स्प्लिटर्स लग जाएंगे, इसमें स्प्लिटर्स लग जाएंगे। तो भाई ये जो स्प्लिटर्स होते हैं ना, जो मेरी गाड़ी में लगे थे, किसी भी गाड़ी में लगते हैं, ये होते हैं बेसिकली कॉमन, ये हर गाड़ी पर लग सकते हैं। ये रहा मेरा स्प्लिटर, पूरा लगा हुआ रखा हुआ है नीचे, देख रहे हो ये वाला। तो ये जो स्प्लिटर होता है ये होता है एकदम कॉमन, ठीक है, जिसपे कि आप क्या कहते हैं किसी भी गाड़ी में आप लगवा सकते हो, कैसे भी लगवा सकते हो। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि हम इस गाड़ी में लगवा सकते हैं, उस गाड़ी में नहीं लगवा सकते, सारी गाड़ियों में आप इसको जो है लगा सकते हो, हर गाड़ी पे लगता है। ऑल्टो लेगी, मारुति, कोई सी भी गाड़ी लो, सब में लगता भाई, सब में, यूनिवर्सल। ठीक है, चलते हैं गाड़ी के पास, दिखाते हैं आपको, आएगा काम। चलो अपना दूसरी साइड का भी स्प्लिटर जो है निकाल रहे हैं भैया, गंदी बहुत हो रखी है, सो सॉरी। इस टाइम पे बारिश का सीज़न चल रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है आए दिन बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो बलविंदर जी, अब आप उसमें क्या कर रहे हैं? एनसी पट्टी होती है, निशान होता है ना जैसे लाई से। अच्छा, एनसी पट्टी लाई फिनिशिंग के लिए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, जितनी भी आपने अभी इसमें घिसाई करी है रेगमार्क से, जितनी भी आपने घिसाई करी है, जो निशान पड़ गए उनको आप क्लियर कर रहे हो उन चीज़ से? ठीक है, तो भैया जो है जितने भी हमारे निशान और घिसे हुए हैं ना, उन चीज़ को जो है कवर कर रहे हैं भैया इस चीज़ से। ओवरऑल काफ़ी चीज़ें होनी है गाड़ी में। तो ये अपनी कार में जो है साइड कटिंग्स लगती हुई, देख लो भैया, गाड़ी की लुक भी इससे इन्हांस होगी, और थोड़ा स्पोर्ट्स लुक जो है गाड़ी को मिल जाएगा इससे। चेक कर लो, गाड़ी लगेगी इससे थोड़ी अच्छी, लुक भी अच्छी लगेगी, थोड़ी दमदार लगने वाली है इसको लगाने के बाद, ओवरऑल मज़ा आएगा। यहाँ पे मार्शल भी हमारे काम कर रहे हैं हमारी गाड़ी पे साइड कट्स पे। तो भैया इसको लगाने के हमारे बेनिफिट्स क्या रहते हैं? इसको लगाने से आपका बॉडी बच जाता है, सेफ रहता है बॉडी, रहता है। ठीक, दिस इज द एयर कट। हाँ जी, एयर कट है, एयर कट आपकी एवरेज बढ़ती है इससे। अच्छा, एयर कट कोई भी डाउन फिट होती है उसकी वैल्यू होती है। ओके, फॉर द स्पोर्ट्स किट, स्पोर्ट्स किट। हां, क्या कहते हैं जी, शो पीस। हां, इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन में लेते हैं एक्चुअली, एयर कट। ओके, एक्चुअल में इसका यूज है एयर कट का। ओके, रेसिंग गाड़ी में जाते हो, रेस लगाते हो, तो उसके लिए काम आती है। ओके, तो भाई, तो अंकल जी ने बताया, तो बेसिकली एयर कट्स होते हैं जो कि स्पोर्ट्स कार में बेसिकली हमको मिलते हैं, जो कि एयर को जो है कुछ इस तरीके से काटते हैं कि आपकी गाड़ी को, गाड़ी का बैलेंस ख़राब ना हो। ओके, और इसका एक फ़ायदा हमारा ये भी रहने वाला, भैया जैसे बता रहे हैं कि इसकी जो है हमारी जो इसको लगाने के बाद हमारी गाड़ी को जो नीचे का पार्ट है बम्पर के, एटलीस्ट उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, गाड़ी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। अगर इनकेस कहीं लगती भी है तो इस पार्ट के ऊपर पूरा इम्पैक्ट आएगा, आपकी गाड़ी की बॉडी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मेक श्योर आप इस काम को ज़रूर करवाएं, बेसिकली इससे गाड़ी की लुक तो एनहांस होती ही है, प्लस साथ साथ इससे गाड़ी की सेफ्टी भी होती है। लास्ट पार्ट टू में आप लोग कह रहे थे कि इसकी सेटिंग सही नहीं है, यहाँ से काफ़ी गैप आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आप देख रहे हो ये भाई रबर मेरी गायब है, जैसे एक रबर यहाँ लगी है सेम रबर यहाँ भी होती है, जो कि मेरी इस टाइम गायब हो रही है, जिसकी वजह से टेढ़ा हो रखा था, स्टिल ये टेढ़ा हल्का फुल्का है, उस रबर को लगा के जो है ये चीज़ का जो है बैलेंस बन जाएगा और लुक जो है सही से आ जाएगी पूरी। यहाँ पर हमारी जो है मिश्किल को भैया ने पूरी तरह कर दिया है सेफ, क्योंकि अब हम करने वाले हैं इसमें वाइट पेंट कलर करने वाले हैं, साथ साथ हमको ये पार्ट भी जो है गाड़ी के कलर का कर रहे हैं, जिससे कि गाड़ी की लुक कई हद तक जो है इन्हांस होगी। पेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी मिश्किल को लगा रहे हैं न्यूज़पेपर, जिससे कि हमारी मिश्किल जो है सेफ रहे और सस्ता जो है इधर उधर भी ना लगे। तो भैया ने पहले जो कवर में अच्छे से किया, क्योंकि हमको ये पार्ट भी जो है अपना वाइट करना है गाड़ी के रंग का। वहाँ पर हमारी गाड़ी पर आ गया काम कंटिन्यू होते हुए।
तो भाई यहाँ पे अपना जो अभी है ना न्यूज़पेपर से काफ़ी हद तक जो है मिस्ट्रियल को कर दिया पूरी तरह कवर, जिससे कि हम जो अपने फ्रंट गार्ड्स को जब पेंट करें और अपने इसमें हमारे साथ में जो फ्रंट जाली का फ्रेम रहने वाला जो कंपनी से आता ही है, हमने उसको जो लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था हमने कट करके जो है यहाँ लगाया था, जिससे कि बोनट की फिटिंग जो है प्रॉपर हो। और लेकिन अब हम इसको भी जो है वाइट कर रहे हैं, जिससे कि गाड़ी की लुक कहीं तक इन्हांस होगी। मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, छेड़ाखानी करी ऐप में फ़ोन को जो है फोटोज़ को डाल के, तो काफ़ी सारी छेड़ाखानी करने के बाद मुझे ये थोड़ा डिज़ाइन समझ में आया, तो मैंने इसको जो है ट्राई कर रहा हूँ अब। तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक देखना, स्टिल इसमें काफ़ी सारे अभी ट्राई होना बाकी है जो कि शायद आपने कहीं देखे भी नहीं होंगे, चाहे तो अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन मैं ज़रूर कराऊंगा। भाई चेक करो यहाँ पे हमारा पूरी तरह से जो भी है उसको चीज़ को कवर कर रहे हैं पूरा, इसको जो है डीपली हम पेंट करेंगे। तो इसके लिए हम अपने फॉग लैंप्स को जो है बचा रहे हैं, जो कि वाइट पेंट होने वाला है, तो उस चीज़ को जो कवर करें हम मैक्सिमम। यहाँ पे हमारी घर भी पूरी तरह से कवर, भैया ने पूरी लाइट से पूरा कवर कर दिया, क्योंकि हमको जो इस पार्ट को जो है वाइट करना है, और साथ साथ इस पार्ट को भी हम जो है वाइट करेंगे। ये अपर पार्ट रहने वाला है ग्रिल का, और भैया इसमें फिर से जो है अपना रेग मार्ट से घिस रहे हैं ताकि पेंट इजीली इसमें अच्छे से हो। वहाँ हमारी साइड कट्स पे काम चल रहा है, काम कम्प्लीट हो गया तो वो पूरी मैं आपको जो है दिखाता हूँ आगे। फिर रेडी है प्राइमर मारने के लिए गाड़ी में, जिससे कि भैया बेसिकली हम प्राइमर मारते क्यों हैं? मारने से वाइट होगी ना। अच्छा पेंट डालनी पड़ती है। अच्छा ठीक है ठीक है, भैया प्राइमर मारते हुए गाड़ी पे। यहाँ पे अपनी साइड कट्स लगनी स्टार्ट हो गई, चेक कर लो, जो कि तुम्हारे तीनों भैया जो है पे लगे हुए हैं साइड कट्स पे, और भैया फ्रंट पे जो है पेंट की तैयारी कर रहे हैं। ओके अब जब हम साइड कट्स पे आप जब पेंट करते हैं तो मेक श्योर आप अपनी आरसी जो है जरूर दिखाएं भैया को, जिससे कि आरसी पे जो कलर होगा वही कलर आपकी जो है साइड कट्स पे जो है होगा फंक्शन होगा, जिससे कि गाड़ी का कलर और बॉडी का कलर 19-20 ना हो। ओवरऑल मैं आपको दिखाना भूल गया, भैया ने कस दिया, अदरवाइज मैं आपको दिखाता। मेरी गाड़ी ऑलरेडी जो है नीचे से यहाँ से लगी हुई है, एक बार कहीं गड्ढे में चली गई थी गाड़ी, जिसकी वजह से बॉडी यहाँ से आगे से पूरी दब गई थी। अगर मैंने ये काम पहले करवाया होता तो उस टाइम पे ये इस चीज़ पूरा इंपैक्ट आया था, मेरी बॉडी बच जाती कार की, ये चीज़ दोबारा लग सकती थी, लेकिन वो बॉडी पे बड़ी दिक्कत आ गई, उस पर खर्चा भी अच्छा खासा मोटा खर्चा होता। अब अपनी साइड कट्स पे काम चल रहा है, साथ साथ जो है भैया हमारे फ्रंट बॉडी कट्स पे जो है भैया बेस डालने स्टार्ट कर रहे हैं। ये फाइनल नहीं है, इसके ऊपर भी काफी भैया घिसाई पिटाई करने वाले हैं।
ट्रैक में ये चीज़ें सारी कट्स कटिंग वगैरह हाईलाइट नहीं हो रही थी, जो चीज़ मैं अभी नोट कर रहा हूँ। मेक श्योर आप भी ये चीज़, शायद ये चीज़ आप भी नोट कर रहे होंगे कि जो कट्स है ये पहले नोट नहीं हो रहे थे ब्लैक में, लेकिन अब ये जो है क्लियरली नोट हम कर पा रहे हैं इस चीज़ को। फाइनल नहीं हुआ है इसका, हमारा अभी बेस हुआ है देख लो भैया, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। जितनी भी इसकी कटिंग्स है ये ब्लैक में इतनी हाईलाइट हो नहीं रही थी, वह पर्सनली जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैंने फील किया, ब्लैक में इतनी हाईलाइट्स नहीं हो पा रही थी ये चीज़ जितनी ये वाइट में हाईलाइट हो रही है। स्टिल अभी गाड़ी पे काम चलना स्टार्ट हो चुका है, तो अभी साइड स्पेस में लग चुकी है देख लो, इस पर अभी काम कम्प्लीट नहीं है, काफ़ी काम जो अभी स्टिल होने बाकी है। सो अभी ये सही लग रही है, अभी देखते हैं एक बार कम्प्लीट होना, तो साथ साथ आपको दिखाता रहूँगा जो जो काम चल रहा है इस पर। तो जब भी आप अपनी अपनी गाड़ी में जो है साइड कट्स लगवाएंगे, तो नट बोल्ट जो है कि आपको जो है नट बोल्ट लगवाने ही है, बट अदरवाइज जब ये फिनिश होगा तो ये आपको एक भी नट बोल्ट जो है नज़र नहीं आएगा। हाँ भैया, एक भी नट बोल्ट जो है आपको दिखेगा नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इवन जब मैंने अपना फ्रंट कटिंग लगवाई थी, तब हमने इससे भी काफ़ी सारे नट बोल्ट्स उस टाइम पे लगवा रखे हैं, जो कि आपको श्योरली आपको कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। तो यही चीज़ साइड कट्स पर भी होने वाली है, कहीं भी जो है नट बोल्ट्स वगैरह कहीं भी नज़र आने वाले नहीं है। सर जो है मेरी गाड़ी के अंदर इस टाइम पे जो है बहुत सारे छोटे मोटे डेंट भी हैं, हल्के फुल्के डेंट, छोटे छोटे बहुत सारे हैं। तो अगर मेरा वीडियो कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो डेंटिंग वगैरह काम करता है, कमेंट कर देना या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे इनबॉक्स करना, मैं जो आपको आपसे कांटेक्ट कर लूँगा उसमें कि मुझे अपनी गाड़ी के छोटे छोटे जो है डेंट वगैरह हटाने हैं, जबकि मैं आपको दिखा देता हूँ छोटे मोटे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख पा रहे हैं ये पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट थोड़ा करो अंदर को क्या हुआ है, यहाँ पर थोड़ी सी दबी हुई है गाड़ी, इस तरीके के छोटे मोटे हैं जो कि मुझे अपनी गाड़ी में जो है करवाने हैं। तो मेक श्योर अगर कोई है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिएगा। ये पार्ट देख रहे हो आप, ये वाले पार्ट में हल्की फुल्की डेंट हैं जो कि दबी हुई है गाड़ी थोड़ी सी, तो मैं ये चीज़ करवाना चाहता हूँ, तो कोई है तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स करना इंस्टाग्राम पे। सो यहाँ पे अपनी गाड़ी के जो जितने भी नट्स बोल्ट लगे हैं उन सब पे जो है पुट्टी लगा रहे हैं भैया, देख लो अभी पूरा घिसाई विसाई होगी, जिसके बाद जितने भी जगह पर नट बोल्ट लगे हैं वो सारे गायब हो जाएंगे। और साथ साथ जो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो मैंने भैया को बोला कि भैया मुझे ये चीज़ थोड़ी अलग लग रही, तो भैया ने उसके ऊपर भी जो है सॉल्यूशन निकाला है, उसके ऊपर भैया काम कर रहे हैं, जो कि मुझे पर्सनली लगा कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो भैया ने कहा वैसे होती नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि हम उसको कवर करें तो हम कवर कर देंगे, तो भैया उस चीज़ को कवर कर रहे हैं यहाँ वाले कैप को, जो कि मुझे लगा कि करवा लेना चाहिए, तो भैया उसको कर रहे हैं कवर। और जैसे हमने बताया कि ये पार्ट जो है आपकी गाड़ी की सेफ्टी भी करेगा, नीचे से कहीं भी कोई गाड़ी लगती है तो एटलीस्ट ये पार्ट आपका सारा जो इम्पैक्ट झेल लेगा, बॉडी पेनल्टी बच जाएगी जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट को जितना सूख गया है उसको भैया हटा रहे हैं एक्स्ट्रा को, जितना हमें नीड है उतना हम रखेंगे, अदरवाइज हम सारे पार्ट को जो हटाएंगे एक्स्ट्रा को। जैसे आई डोंट नो इतनी डीपली वीडियो दिखाने में कोई फ़ायदा है कि नहीं है, प्लीज़ इस चीज़ के लिए कमेंट ज़रूर करना कि फ्यूचर में आपको वीडियो ऐसी देखनी है जो कि इतना डीपली नॉलेज में हो या इतना हर एक चीज़ को जो हाईलाइट करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये चीज़ आपको फ्यूचर में देखनी है इस तरीके से, तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए आपको प्लीज़ कमेंट कर देना या मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, gaurav_7827 फॉलो कर सकते हैं, वहाँ के मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं कि इस तरीके की डिटेलिंग वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, क्योंकि कई बार होता है कि हम इस वीडियो को जो है यहीं पर ख़त्म रोक के इस काम को जो है यहीं रोक दूँ और इसके बाद जो एंड में आपको दिखाऊँ कि भाई ये काम हो गया पूरा कम्प्लीट, लेकिन मेरी आदत है ही नहीं वो, मैं आपको पूरा काम दिखाना पसंद करता हूँ, लेकिन ये चीज़ आप डिसाइड करो कि मैं आपको ये चीज़ पूरी दिखाऊँ कि नहीं दिखाऊँ। सो फाइनली यहाँ पे पेंट होना हो रहा है स्टार्ट हमारी गाड़ी पे, सो पेंट हो रहा है अभी, इसमें भी तीन कोट होने बाकी है, भैया ने बताया पहले पेंट होगा, पहले से पेंट होगा, फिर पर्ल होगा, फिर फाइनली इसमें जो है शाइनिंग के लिए हम इसमें फाइनल पार्ट करेंगे जिससे कि इसमें शाइनिंग आ जाएगी। सो
पूरी कंप्लीट होना, साइड कट्स लगनी बाकी है, उसके बाद आपको प्रॉपर दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा इसी पार्ट में सब कुछ दिखा दूं, नहीं तो फिर एक पार्ट आपको और वेट करना पड़ेगा फाइनल के लिए। टेस्ट में कर रहे हैं परल कोट, इसके बाद भी फाइनल होगा ना? ठीक है, अब इसमें भी परल कोट कर रहे हैं, चेक कर लो। और भैया ने कोटिंग कर दी है इसके ऊपर, जैसे कि पेंट जो है प्रोटेक्टर है हमारा पूरा प्रॉपर, और साथ साथ देख लो भैया साइड कट्स तो भी काम चलता हुआ। ये हमारी साइड की है, पल्ली साइड की, इस साइड की यहाँ लग रही है, सब ये काम कर रहे हैं अभी। और अब यहाँ पे फाइनल हमारा प्राइमर होते हुए, जो कि फाइनल है इसमें एक तरह से देखा है, तो इसमें हम ग्लॉस कर रहे हैं, ग्लॉसी कर रहे हैं इसको, शाइनिंग दे रहे हैं इसके ऊपर अब। और ये चीज़ मुझे दूर से शूट करनी है, अदरवाइज इस पर आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और भैया यहाँ पे इस काम को डीपली करते हुए डिटेल में आपको दिखाता हूँ। भैया अभी आप क्या कर रहे हो बेसिकली? मैं सफाई। अच्छा, जितनी हमारी एक्स्ट्रा इस पर आई थी वो आपने क्लीन कर दी सारी। हाँ। अब इस पर आप वो करेंगे रेग मार्क से। ओके, रेग मार्क से अभी आप इसको घिसेंगे और एकदम बराबर करेंगे, इक्वल है ना? ठीक भैया, आप इसको रेग मार्क से इक्वल करेंगे बिल्कुल। जब ये वाले पॉइंट्स के लिए मैंने बोला था भैया को कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो भैया ने यहाँ काम किया है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी गाड़ी में कुछ भी करवाते हो, जो चीज़ आपको पसंद नहीं आती तो आप बोल सकते हो। एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, मेरी कार पे कई बार जो है साइड्स पे लग जाती थी, नीचे से दिखाता हूँ आपको, जो कि अब वो चीज़ तो नहीं होगी एटलीस्ट। ये देख रहे हो, ये चीज़ से एटलीस्ट ये चीज़ से आपकी गाड़ी लगने से जो है बच जाएगी, जो आप काम करवाओगे अपने साइड कट्स का, इससे आपको ये बेनिफिट रहेगा एटलीस्ट आपकी गाड़ी पे ये चीज़ें तो नहीं लगेगी, और अगर लगेगी भी तो जो होगा तो आपके साइड कट्स को होगा, इसको तो नहीं होगा डेफिनेटली। सो भाई देख लो, चेक कर लो भाई, चेक कर लो ये अपनी साइड कट्स, राइट हैंड साइड वाली थोड़ा, और यहाँ पे अपनी ड्राइविंग साइड की भी जो है साइड कट्स लग गई है, चेक कर लो। नट बोल्ट्स तो लगते हैं जिससे कि फिटिंग बहुत प्यारी से आ जाए, अदरवाइज ये लूज हो जाएगा, गिर जाएगा, वही दिक्कत है। उस साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे तक काम हो चुका है। ये अपनी मिश ग्रिल चेक कर लो, मिश ग्रिल चेक कर लो पूरी पहले से, और अब मैं आपको डेफिनेटली फर्क दिख गया होगा, चेक कर लो। और यहाँ पे भैया इसको फिनिशिंग देते हुए साइड कट्स को भी क्या कर रहे हैं भैया? हाँ, ये फिनिशिंग कर रहे हैं, फिनिशिंग दे रहे हैं भैया। तो जो हमने अपने नट बोल्ट सब इसमें लगाए थे, उसके बाद हमने इसको प्रॉपर फिनिशिंग दी है, उसके बाद हम इसको जो है रैग मार्क्स से जो स्क्रब करके जो इसको इक्वल कर रहे हैं एकदम, उसके बाद इसमें 3 से 4 लेयर की पेंटिंग वगैरह होगी, कोटिंग वगैरह होगी, पट्टी लगेगी, तो काफ़ी कुछ होगा इसमें। सो अभी ओवरऑल थोड़ा टाइम लगेगा इस काम में, और इस साइड से भी दिखाया था आपको, जो जितना काम उस साइड हो चुका है उसका आधा काम इधर हुआ है अभी, साइड कट्स लग चुकी है, बड़ी पुट्टी वगैरह कुछ नहीं भरी है। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छी वीडियो जो है जा रही है, और बहुत गाड़ी की लुक जो है इन्हांस होगी इसके बाद जब इसके शॉट्स आपको मिलेंगे। इस बार जो है मैं इसके प्रॉपर शॉट्स डालूंगा, तो मे बी पार्ट 4 भी आएगा इसका। और अपने राय के नाम से, हाँ जी, तो वही सब ये पुट्टी कर रहे हैं है ना भैया? जितने भी हमने नट बोल्ट्स हमने जो है लगाए हैं, जितने भी हमारी गैपिंग है, मैंने भैया से रिक्वेस्ट करी थी कि ये जो गैपिंग मुझे पसंद नहीं आई, तो भैया ने उसके लिए जो है स्पेशल इसमें पुट्टी वगैरह भर के जो प्रॉपरली इसको कवर कर रहे हैं, और जो कि बाद में पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे कोई गैप था। जितने भी नट बोल्ट्स हैं, जितने भी गैप्स हैं, सब भर गए। और ये देख रहे हो मेरी लापरवाही है। और यहाँ पीछे भैया ब्रीजिंग करते हुए, चेक कर लो भाई,
सो ओवरऑल एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप अपनी गाड़ी में इस तरीके का काम करवाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें जो हम अपना एक्स्ट्रा फिटिंग लगवा रहे हैं इसमें कलर में और गाड़ी के कलर में हल्का फुल्का 19-20 का फर्क होगा, वो भी आपको 72 घंटे बाद जब आप उस पर रनिंग पॉलिश अप करेंगे तो वो जो अपने आप वो इक्वल हो जाता है, क्योंकि जो हमारी मेरी गाड़ी स्टिल ये 5 साल पुरानी गाड़ी है, ठीक है, इस टाइम 5 साल पुरानी हो चुकी है और मैंने स्टिल ना टेफ्लॉन वेफ्लॉन कुछ भी नहीं करवा रखी। अब मैं मेरी प्लानिंग है कि 72 घंटे बाद मैं इसमें कुछ ऐसा काम करवाऊंगा जिससे कि मेरी गाड़ी का कलर वगैरह जो है पूरा मैच करे। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ जो है डिटेलिंग वीडियो बनाने वाला हूँ गाड़ियों को लेकर। अगर आपकी गाड़ी भी काफ़ी टाइम से डल हो चुकी है तो उसके लिए वो वीडियो बहुत परफेक्ट रहेगा, पर ये नहीं है कि एक गाड़ी कोई से भी गाड़ी। ये देखो फिलिंग करते हुए जितना भी एक्स्ट्रा हमारे उसमें गया था सारा हटा दी पीछे,